Well. So हरियाणा में मिडिवल पीरियड शुरू का हुआ माना जाता है कब हम ऐसे मान लें दट मिडिवल पीरियड एक्चुअली स्टार्टेड इन हरियाणा तो एंशियंट में हमने लास्ट में किया था दट वर्धन एम्पायर वॉज देयर वर्धन डायनेस्टी वॉज देयर और वर्धन डायनेस्टी के जो सबसे ग्रेट रूलर थे ही वॉज हर्षवर्धन और यू कैन सेल्सो द लास्ट रूलर ऑफ द वर्धन डायनेस्टी तो हर्षवर्धन की डेथ के बाद जो एंशंट पीरियड है वो खत्म हुआ मान लिया जाता है और मिडीवल पीरियड जो है वो शुरू हुआ माना जाता है द बिगिनिंग ऑफ मिडीवल पीरियड स्टार्ट्स विद द डेथ ऑफ़ हर्षवर्धन यू यू मे गेट दिस क्वेश्चन सम हाउ इन द प्रिलियम्स एग्जाम कि मिडिवल पीरियड की एग्जैक्ट बिगिनिंग कब से हुई मानी जाती है हरियाणा में बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी स्टेटिक कि पूरे इंडिया में या पूरे दुनिया में एक ही वक्त में वो पीरियड आया हो डिफरेंट पीरियड्स में हैप्पन एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स इन डिफरेंट प्लेस क्योंकि उस वक्त में ट्रांसपोर्टेशन के और कम्युनिकेशन के मीन्स इतने ज़्यादा इम्प्रूव नहीं थे सो so, कुछ डिवेलपमेंट्स को एक से दूसरी जगह में पहुँचने में बहुत वक्त लग गया जैसे हमने जो स्टोन एजेस की थी उनमें पाँच सौ से हज़ार साल तक का भी फ़र्क आ सकता है ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि इंडिया के साउथ में जो न्योलिथिकज है वो पहले आ गई हो और उसके पाँच सौ साल बाद वो वो न्यूलिथिकज नॉर्थ इंडिया में या ईस्ट इंडिया में आई हो उसी तरह जैसे जैसे हम टाइम में आगे बढ़ रहे हैं उन पीरियड्स का जो डिफ्लेक्शन है वो कम होता जा रहा है बट स्टिल डिफ्लेक्शन इज देर तो हर्षवर्धन की डेथ के बाद मिडीवल पीरियड जो है वो हरियाणा में शुरू हुआ माना जाता है उसके बाद गुर्जर प्रतिहाराज और बहुत सारे अलग अलग रूलर्स ने नॉर्थ इंडिया पर राज किया आई एम सेइंग नॉर्थ इंडिया अगेन एंड अगेन बिकॉज हरियाणा इज इन नॉर्थ इंडिया तो हमें उसी रीजन के बारे में पता होना चाहिए देन मिडिवल पीरियड में जो सबसे सिग्निफिकेंट चीज़ हुई वो थी इन्वेजन ऑफ मुस्लिम इन इंडिया मुस्लिम स्टार्टेड इनवेडिंग इन इंडिया नाउ इन सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी टू ए डी इन मक्का इन मिडल ईस्ट प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म हुआ इन सेवन सेंचुरी ए डी जो कि एंशेंट पीरियड का हम ऑलमोस्ट लास्ट सेंचुरी से गिनते हैं तो जब इस्लाम का जन्म हुआ मिडल ईस्ट में तो वहां से जो इस्लाम था वो हर डायरेक्शन में फैलना शुरू हुआ और उसके अलग अलग जो थे वो चीफडम्स बन गए जैसे कि चीफ चीफडम गज़नी चीफडम तो वहाँ से जो इन्वेडर्स थे वो हर डायरेक्शन में नई नई कंट्रीज़ को इन्वेड करने के लिए जाना शुरू हो गए इस तरह से इंडिया में भी वो लोग इन्वेड करने के लिए आए उसके बाद दिल्ली सल्तनत का टाइम आया जो कि 1206 एडी से लेकर 1526 एडी तक चला तो करीब करीब 320 साल तक दिल्ली में जो सुल्तान का राज चला यानी कि पांच डायनेस्टीज इसमें आई जिसमें सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी फिर खिलजी डायनेस्टी फिर तुगलक डायनेस्टी फिर सैयद और फिर लोधीस तो ये पांच डायनेस्टीज़ जो थी इन्होंने दिल्ली पर राज किया और दिल्ली के साथ साथ ही इनमें से ज़्यादातर ने हरियाणा के पूरे हरियाणा पर या फिर हरियाणा के किसी हिस्से पर राज किया सो so दिल्ली सल्तनत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस उसके बाद मुगल एम्पायर आ गई मुगल एम्पायर कैसे आई दो बैटल्स थी जिसकी वजह से मुगल एम्पायर इंडिया में एस्टैब्लिश हुई फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंड सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत पानीपत हमें पता है इट्स अ डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैव बीन फॉट ऑन द लैंड ऑफ हरियाणा उसके बाद तीन बैटल्स तो हो गई पानीपत की और दो बैटल्स हो गई तराइन की द टू बैटल्स ऑफ तराइन उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे ये बैटल्स किस में हुई थी किस किस के बीच में उसका रिजल्ट क्या निकला एंड हाउ हरियाणा वॉज इन्फ्लुएंस्ड